तो बच्चों हम देख रहे थे जो यूनियन है उसकी प्रॉपर्टीज। बच्चों थोड़ी माफी चाहता हूँ, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया इसी वजह से। तो प्रॉपर्टीज बच्चों देखते हैं, तो देखिए इस वाली फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो हमें इंटरसेक्शन की बच्चों प्रॉपर्टीज दिखती है उससे मिलती जुलती ही प्रॉपर्टीज रहेगी, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। सबसे पहला वर्कसम नियम, ए यूनियन ए इसके इक्वल होगा, ए के ही इक्वल होगा। सेकंड, ये थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है, ए यूनियन फाई क्या होगा, ए यूनियन फाई क्या होगा। तो इस बार ये फाई में आकर ये क्या आएगा, ए ही आएगा। तो जो फाई है या ए का जो भी सबसेट है वो उसका क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव। याद रखना बच्चों, ए का जो भी सबसेट बनेगा वो क्या होगा, ए का तत्समक अवयव होगा, क्योंकि उसका ए के साथ यूनियन हमेशा क्या लेके देगा अपने को, ए। तो यहाँ पे एक नोट लगा के आपको याद रखना है, यदि ए यूनियन बी फाई हो तो ये कंपल्सरी होगा कि ए भी फाई हो और बी भी क्या हो, फाई हो, तभी फाई आएगा, अन्यथा ये फाई नहीं आएगा। लेकिन हमने जो इंटरसेक्शन पढ़ा था उसके अंदर ये बात कंपल्सरी नहीं थी, बस समझ आई। जो हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था उसके अंदर क्या था, यदि ए इंटरसेक्शन फाई के इक्वल हो तो ये जरूरी नहीं था कि दोनों फाई हो या एक भी फाई हो, दोनों की कोई ना कोई वो एलिमेंट तो भी फाई था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि ए यूनियन बी फाई के इक्वल है तो ये केवल एक कंडीशन में ही पॉसिबल होगा, वो ये कंडीशन होगी कि ए भी फाई हो और बी भी फाई हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, यदि ए सबसेट ऑफ बी हो तो ए यूनियन बी इसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। जैसे आप एक्सेल निकालते हो थ्री और सिक्स का, तो क्या आता है सिक्स, ये थ्री इसका पार्ट ही है, गुणनखंड है, वैसी प्रोसेस है। तो जो ए और बी दो सेट हो और ए यदि बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी क्यों आएगा। आपको जो एक एग्जांपल दे उसी से देखो, ये जब ए और बी का यूनियन निकालोगे तो पहले तो बहुत सारे एलिमेंट लोगे, जो ए और बी कॉमन है तो ए पूरा ही कॉमन हो गया, उसके बाद बी बचा हुआ पूरा, तो बी तो कंप्लीट ही आ जाएगा। नंबर फोर, ए यूनियन यू क्या होगा, यू, ठीक है, ये यू है बच्चों, ये यूनियन है, यू यानी नेबर्स है, ठीक है। और फिफ्थ, ए यूनियन ए डैश, तो जो ऐसी प्रॉपर्टी जो अपनी इंटरसेक्शन में रहेगी थी ना, तो जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी जो रहेगी थी वो आपको याद रखनी है, ए इंटरसेक्शन ए डैश हमेशा क्या होता है, फाई होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, हमेशा फाई क्यों होगा, मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ, रिपीट तो सॉरी बता देता हूँ कि ए और इन ए डैश, आपको बताया था कि ए डैश वो सेट है जो ए के एलिमेंट को हटाने के बाद बना, ए डैश कौन सा सेट है, वो सेट जिसमें ए ए का एक भी एलिमेंट नहीं, यानी हम यदि यूनियन सॉरी जो यूनिवर्सल सेट है उससे ए को बाहर निकाल दें, ए के सारे एलिमेंट हटा दें तो बचा हुआ सेट ए डैश होता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश सदैव क्या होगा, फाई। लेकिन यहाँ पे ए यूनियन ए डैश क्या बनेगा, यू ही बनेगा, क्योंकि ए तो आ गया। अब जैसे क्यों बनेगा उसका मैं आपको ये बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे इसे डायग्राम में देखो एक बार आप, ये ए है बच्चों हमारे पास पूरा, ए डैश इसका बाहर वाला पोर्शन ये हो जाएगा, तो इन दोनों को जब साथ करोगे तो आपको पूरा यू दिखेगा या नहीं दिखेगा, बस समझ आ रही होगी। तो ए यूनियन ए डैश इसके इक्वल आएगा, यू के ही इक्वल आएगा, ठीक है। नंबर सिक्स, कम्युटेटिविटी, ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए के, सॉरी बच्चों
यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए। और जो सेवंथ है वह एसोसिएटिविटी सच्चरियता कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा, पहले ए यूनियन बी निकाल लो फिर यूनियन करके सी कर लो। देखो बच्चों ये है यूनियन की प्रॉपर्टीज, देखिए ध्यान से इसको रिपीट कर देता हूं, एक नजर डाल लीजिए दोबारा कि ए यूनियन ए किसके इक्वल होगा, ए के। ए यूनियन फाइव ए के इक्वल होगा, यदि ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन में किसके इक्वल होता है, ए के। ए यूनियन यू क्या होगा, यूनियन बी बनेगा। ए यूनियन ए डैश यू बनेगा। ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, क्रम विनिमयता लागू होगी और सच्चरियता भी लागू होगी। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया, हमने इंटरसेक्शन क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज सारी देख ली, यूनियन क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज को देखा, लेकिन अब क्या है हमें इन दोनों की जो कुछ कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती है, इन दोनों की कुछ कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती है हमें अब उनको समझना है। तो बच्चों देखते हैं इस लेक्चर में कितनी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है, विद वेन आर एक समझेंगे बच्चों, वेन आर एक सभी एक एक चीज को आप वेन आर एक के थ्रू कवर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी बातों को आराम से समझते हुए, वेन आर एक को लेकर चलते हैं इनकी आगे की और प्रॉपर्टीज को समझते हैं। और बच्चों ये फॉर्मूले के तौर पर आपको याद रखने और वैसे बेसिकली अगर डेफिनेशन क्लियर हो तो आपको सारी बातें अपने आप याद रहेगी। यदि मान लीजिए n a का मतलब है a के अंदर अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ a एलिमेंट्स, और इसका मतलब है n b का नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, और ये है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b, अर्थात जो दोनों में कॉमन है, और ये है a यूनियन b जो ए और बी को यूनियन करने पर जो एलिमेंट की संख्या बनेगी, तो इनका आपस में क्या रिलेशन होता है बोलिए। तो सबसे पहले ए यूनियन बी क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। ये सोच एन हटाफी भी लिखो तो भी एक ही बात लिखो, एन हटाफी सबसे मुझे यहाँ पे हम हटा के चलते हैं तो एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ इन साइड के लिए ठीक है। ये लीजिए पूरी वीडियो कर देता है एक बार, मैं अब देखो हम क्या करते हैं, चलते हैं ए यूनियन बी इक्वल ए प्लस बी कुछ ऐसे। अच्छा इसके अंदर बहुत सारी बातें भी रह चुकी है, क्योंकि माइनस करने वाली चीजें अभी आप करें पे बाकी हम बताएंगे, मतलब क्यों वेन आर एक के थ्रू यदि इसको समझा जाए तो ये मान लीजिए ए हो गया बी। अब बच्चों यदि ए यूनियन बी हमें बनाना है तो ये पूरा पार्ट चाहिए दोनों का, ए ए यदि मैं लिखता हूँ तो देखो ये पूरा पोर्शन आया नहीं है ठीक है। B तो B के लिए मैं थोड़ा सा अलग ग्रुप कर देता हूँ ऐसे कुछ है, अब आगे देखो कि ये जो पार्ट है वो कितनी बार काम हुआ, दो बार, ये जो पार्ट है वो कितने बार काउंट हुआ, ये वाला दो बार काउंट हुआ, लेकिन मेरा आपको स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि चाहे सेट कोई भी हो एक एलिमेंट केवल एक बार, तो इसको एक बार हमें फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, आई बात समझ में।
तो ये होता है ए यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी से रिलेटेड करना। ठीक है, हमने क्या किया, ए यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी से रिलेटेड किया। ऐसे एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हो आप, ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए प्लस बी। बाकी तो चाहिए एन वेक्टर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक बात याद ना, हम सेट नहीं ले रहे हैं, याद ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेट नहीं ले रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि सेट को सीधा प्लस किए नहीं जा सकता, सेट को यूनियन होता है, प्लस नहीं कर रहे हम। ठीक है, यदि कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि यदि ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं एक दो तीन, बी के अंदर मान लो एक तीन सो चार आ रहे, मान लो तो आप ए प्लस बी का मतलब चार को सब में जोड़ कर लिख दो, ये नहीं होगा चार को सब में जोड़ो तो चार एक पाँच, चार दो छः, चार तीन सात, तो ये चीज मतलब देना, प्लस का मतलब ये नहीं है, प्लस का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसको याद रखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट। आई बस समझ में, यानी ये तो बच्चों आपको इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ और जोड़े जाते हैं, एक समुच्चय को एक दूसरे से माइनस करना, यूनियन और इंटरसेक्शन का आपस में रिलेशन, बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज है इन सबको, और कुछ और चीज़ें जिनको बेनारी के थ्रू समझ सकते हैं उनको बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। और बच्चों इन चीज़ों को जो आपको आज बताइए एक बार रिपीट जरूर करके देखोगे, आराम से देखो समझो और उसकी प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आता है तो आप पूछो। तब तक के लिए धन्यवाद।